तो मेरे भाई स्टार्टिंग में जो आपने साउंड सुना, आप लोग कमेंट बताना भाई कितने ऐसे लोग हैं जो फ्री फायर में रियल में वो साउंड सुने हैं, क्योंकि फ्री फायर का वो म्यूजिक है भाई सबसे ओल्ड है। फ्री फायर जिस टाइम लॉन्च किया था उस टाइम से वो वाला म्यूजिक था, और कितने ऐसे लोग हैं भाई जो फ्री फायर में ये वाला साउंड रियल में सुना, और कितने ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ मतलब वीडियो वगैरह में ही सुना है। और ये भाई ये साउंड ये म्यूजिक इतना अच्छा था, इतना रिलैक्सेबल था कि अगर आप म्यूजिक ही सुन लेते ना भाई तो बिल्कुल मोहित हो जाते। बहुत ही अच्छा म्यूजिक था भाई। एंड आप लोगों को पता है फ्री फायर इंडिया यहाँ पर से आ रहा है, तो इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि फ्री फायर इंडिया में आप लोग क्या क्या न्यू फीचर्स देखने के लिए मिल सकती है, और गाइज फ्री फायर इंडिया जो हम लोग आएगा तो क्या ओल्ड फीचर के साथ आएगा या फिर इसका अलग मैकेनिज्म होगा, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें मेरे भाई चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले। तो मेरे भाई फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर से आप लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर से फ्री फायर इंडिया हम लोग आने वाला है तो क्या भाई उसका जो सीजन होगा वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा या फिर उसका फीचर होगा जो भी होगा भाई, जिस तरीके से हमारा फ्री फायर आया था फ्री फायर बैटल ग्राउंड गाइस, उस टाइप से जो हम लोग का मैप वगैरह था ओल्ड मैप जैसे आप गेम प्ले में देख पा रहे पीछे के साइड आप लोगों को देखने को मिलता है, इस टाइप का मैप होगा या फिर क्या होगा गाइज? तो गाइज फ्री फायर इंडिया एक वर्जन होगा गाइज जो न्यू वर्जन के साथ यहाँ पर से आने वाला है, और यहाँ पर जो आप लोग गेम प्ले होगा भाई सीजन 1 से इस टाइप का कुछ भी सीजन नहीं होगा, जिस तरीके से आप गेम प्ले का जो हम लोग का रियल में फ्री फायर मैक्स में जो चल रहा है और फ्री फायर में जो चल रहा है भाई ये सारा का सारा सेम रहेगा। थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस किया जाएगा बाद में, सीजन वगैरह सारा का सारा एक जैसा ही रहेगा, मैप वगैरह सेम रहेगा, थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस किया जाएगा, इसमें कुछ न्यू चीज़ नहीं ऐड नहीं किया जाएगा। और जैसे बहुत सारे लोगों के मन में डाउट चल रहा है गाइज कि भाई फ्री फायर इंडिया तो एक न्यू गेम है गाइज, ये बिल्कुल न्यू है, आप लोग को बता दो भाई कि फ्री फायर इंडिया एक न्यू गेम है लेकिन वो नाम के साथ सिर्फ आ रहा है लेकिन रहेगा वो फ्री फायर ही। और यहाँ पर जो आप लोगों को जो भी चेंजेस मिलता है जैसे आपको थिंक हो रहा है भाई कि हम लोगों का जो मैप होगा वो स्टार्टिंग से होगा भाई वो जंगल वाला, मतलब पुराने जमाने का जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भाई रियलिस्टिक लगता है, उस टाइप का सीन नहीं होगा भाई जो कि अभी के टाइम पर जिस टाइप का मैप है उस टाइप से आपको मिलेगा। इसमें थोड़ा बहुत आप लोगों को चेंजेस देखने के लिए मिल सकती है भाई, पहले का मैप का तो बात ही अलग था भाई, स्टार्टिंग में जो मैप था उसका तो भाई मज़ा ही अलग था, अभी तो मतलब कार्टून बना दे भाई मज़ा नहीं है। पहले कुछ मोमेंट था जो कार्टूनिस्टिक लगता था बट मैप वगैरह रियलिस्टिक लगता था, बट ये चीज चेंजेस नहीं होगा जो आपका था यहाँ पर से ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की बात कर ले तो भाई वो आता हम लोग यहाँ पर से आईडी को लेके कि क्या भाई हम लोग का जो आईडी है मेन आईडी ये आईडी फ्री फायर इंडिया में शिफ्ट कैसे होगा गाइस? ये कुछ भी बड़ी लॉजिक वाली कोई बात नहीं है भाई, मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ ये पूछ रहा है भाई कि हमारा मेन आईडी फ्री फायर का जो इंडिया आईडी है उसमें शिफ्ट कैसे करेंगे, तो ये फ्री फायर के वर्जन होगा। जिस तरीके से आप फ्री फायर नॉर्मल को जो हम लोग ऑफिशियली फ्री फायर था उस वाले आईडी को फ्री फायर मैक्स में यूज कर पा रहे हो, उस तरीके से सेम टू सेम यहाँ पर से फ्री फायर इंडिया में आप अपना फ्री फायर का आईडी को इसे यूज कर सकते हो, उसके लिए कोई भी मतलब प्रोडक्शन ये नहीं होगा और आप लोग कुछ भी इसमें दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर से बात करते हैं, यहाँ पर से अपडेट के मुताबिक जो भी फ्री फायर में आईडी बैन है, जितना भी लोगों का आईडी बैन हुआ था विदाउट रीजन का आईडी सस्पेंड हुआ था या फिर कुछ भी रिस्ट्रिक्शन उसमें लगा हुआ था या बहुत पुराने आईडी है जो किसी भी कारण से बैन हो चुका है या फिर सस्पेंड हो चुका है, वो आईडी यहां पर से करना फिर से स्टार्ट करेगा, और जितने भी ओल्ड प्लेयर का आईडी गया हुआ है ये सारा का सारा आईडी आप लोगों का अनबैन देखने के लिए मिल जाएगा और इजीली यहां पर से आप गेम प्ले कर पाओगे। तो ये करना मेरे हिसाब से बहुत अच्छे के बाद में आप लोग बताना भाई, क्योंकि मेरे को पता है बहुत ऐसे लोग हैं जिसका आईडी विदाउट एनी रीजन बिना कोई गलती किए बिना किसी हैकर के साथ गेम प्ले किए बिना हैक किए हुए या फिर कुछ भी ऐसे इलीगल एक्टिविटीज नहीं किया भाई, फिर भी उस उन लोगों का आईडी जो यहाँ पर से सस्पेंडेड है बैन है, तो ये बहुत अच्छा चीज लेकर आ रहा भाई कि ओल्ड आईडी आप लोग के यहाँ पर से फिर से एक्टिव देखने के लिए मिल जाएगी। उसको नेक्स्ट चीज की बात करें तो बहुत सारे लोग यहाँ पर पूछ रहा भाई कि क्या इसमें ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होगा? जी हाँ गाइस, ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होगा, और 5 सितंबर को जैसे आप यहाँ पर फ्री फायर लॉग इन करोगे न्यू फ्री फायर इंस्टॉल करके तो आप लोगों को उसमें कुछ बैनर वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। एंड 2023 में भाई 2023 में ही आप लोगों को एक टूर्नामेंट देखने के लिए मिल जाएगी जहां पर से आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा कि फ्री फायर रियल में बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, बहुत ज्यादा काम कर रही है, और पहले वाला चीज यहां पर से आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी, यानी कि टूर्नामेंट का सीन है ये आप लोग यहां पर से देखने के लिए मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट चीज की बात कर लेते भाई, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट चल रहा है फिर कमेंट कर रहा भाई कि भाई हमारे जो मैप है भाई अभी जो गेम के अंदर मैप है उसमें इंडिया का एक भी स्पेस एक भी जगह नहीं है, तो क्या फ्री फायर के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम हो सकता है कि इंडिया के नाम से कुछ मैप आ सकता है या फिर इंडिया का जो मतलब टूरिस्टर पैलेस या फिर जो अच्छा जगह है भाई लाइक ताजमहल का सीन इसमें देखने के लिए मिल सकता है क्या, कुछ इस टाइप का सीन मिल सकता है क्या या फिर कुतुब मीनार इसमें देखने के लिए मिल सकता है क्या? तो गाइस देखो गाइस ये इन फ्यूचर की बात है, अब फ्री फायर इंडिया के नाम से आ रहा है तो भाई इंडिया का कुछ ना कुछ तो उस मैप में आएगा ही, ये ऑब्वियसली है भाई कि फ्री फायर इंडिया के नाम से अगर आ रहा है तो उसको देना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ देगा जरूर, बट क्या देगा, कौन सा जगह देगा, क्या क्या चीज़ में ऐड करेगा, कौन कौन सा सिटी को इसमें
इंक्लूड करेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन आप लोगों को फ्री फायर इंडिया में इंडिया का जो मैप है और अच्छा खासा चीज़ जो है भाई वो आप लोगों को मैप में इंक्लूडेड देखने को मिलेगा और जगह भी आप लोगों को यहाँ पर से देखने को मिलेगा। एंड आप लोग कमेंट में बताना भाई कौन कौन ऐसे चाहता है बंदा भाई कि फ्री फायर के अंदर ताजमहल को ऐड कर दिया जाए, फिर कुतुब मीनार को यहाँ पर से ऐड कर दिया जाए, उसका तो फिर बात ही अलग होगा भाई, क्योंकि वहाँ पर गेम प्ले करने का कुछ मजा ही अलग होगा, बट ये चीज़ आप लोगों को मैप के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा कुछ खास चीज़ मेरे को अपडेट में नहीं मिला गाइस, बाद में यहाँ पर देखते हुए सिर्फ और सिर्फ 2 दिन यहाँ पर से बचा हुआ है हम लोगों के पास, 2 दिन के बाद आप लोगों को सारा का सारा चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा। एंड आई एम सो एक्साइटेड भाई, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि फ्री फायर इंडिया का लुक किस टाइप का होने वाला है, क्या क्या चीज़ आप लोग न्यू देखने के लिए मिलेगा। एंड आप लोग को मुझे बताना भी कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड यहाँ पर से फ्री फायर का न्यू लुक देखने के लिए। एंड गाइज फ्री फायर में आप लोगों को ओल्ड म्यूजिक रिटर्न देखने के लिए मिलेगा ये बताया जा रहा है। यहाँ पर से छोटा सा ट्रेलर जो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में दिखाया वो ऑफिशियल ट्रेलर है भाई, और जब आप गेम को लॉगिन करोगे फ्री फायर स्टार्टिंग होगा फ्री फायर इंडिया के नाम से, और यहाँ पर आप लोगों को स्टार्टिंग में जो म्यूजिक सुनने के लिए मिलेगा लॉबी म्यूजिक हो गया फिर लॉगिन म्यूजिक हो गया वो सारा का सारा भाई ओल्ड म्यूजिक आप लोग यहाँ पर से देखने के लिए मिलेगा। तो ये मेरे को दिल से बता रहा हूँ भाई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो गेम में आया था भाई वो म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलो भाई मैं बता नहीं सकता, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा साउंड था, और वो साउंड आप लोग यहाँ पर से रिटर्न पे देखने के लिए मिल जाएगा गेम के अंदर स्टार्टिंग में। तो ये था आज का अपडेट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, इस वीडियो में आप लोग इतना सही दिखाना था, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू, फिर अगले वीडियो में।